हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्किल्स। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम स्क्रैपर पे डिस्कस करेंगे, स्क्रैपर क्या है और हम इसको कैसे यूज़ करते हैं, कितने टाइप्स के स्क्रैपर्स होते हैं, तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा आज की इस वीडियो में। सो गाइस, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। सोशल प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके वहाँ से भी हमें फॉलो कर लीजिए। चलिए दोस्तों, बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, डिस्कस करते हैं स्क्रैपर एंड स्क्रैपिंग टूल्स के बारे में कि कितने टाइप्स के स्क्रैपर्स होते हैं और हम उनको कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं। सो बात करते हैं व्हाट इज स्क्रैपर। स्क्रैपर गाइस जो क्या होता है, स्क्रैपर एक टाइप का खुरचनी टाइप का टूल्स है। जैसे आपने देखा हो कि जब हम वुड लकड़ी पर जब हम छीलते हैं तो आपने देखा हो छीलने के लिए हम जो टूल यूज़ करते हैं वो जस्ट लाइक स्क्रैपर की तरह यूज़ किया जाता है। ऐसे ही अगर हमें जब मेटल को एक्सेस कोई सब मेटल पर कुछ स्पॉट्स हैं, कुछ हाई स्पॉट्स हैं, तो उनको अगर हमें रिमूव करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्क्रैपर का यूज़ करते हैं। और मोस्टली ये हम मेंटेनेंस में जब हम स्लाइडों को मैच करना है तो वहाँ पर ऐसी कंडीशन में हम ज़्यादातर इस तरह के स्क्रैपर्स का यूज़ करते हैं, राइट। तो ये आपका है स्क्रैपर। नेक्स्ट इज इसकी मटेरियल की बात करें तो स्क्रैपर का जो मटेरियल होता है वो हाई स्पीड सील का, अगर हम इसकी सुटेबल मटेरियल की बात करें तो जो जिस पे हाई स्पीड जो हमारा हाई HHS मंस हाई स्पीड के जो स्क्रैपर्स होते हैं एल्युमिनियम, कॉपर, ब्रास, कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील और प्लास्टिक पर ज़्यादा सुटेबल्स रहते हैं। और जो अनसुटेबल की बात करें तो अगर हम हाई स्पीड स्टील के स्क्रैपर से स्टेनलेस स्टील, हार्डेंड स्टील, टंगस्टन कार्बाइड, टंगस्टन, तो अगर हम इस पर अगर हम स्क्रैपिंग करेंगे तो वो इतना यूजफुल नहीं होगा। नेक्स्ट इज टंगस्टन कार्बाइड में भी सही बार हम क्या करते हैं, स्क्रैपर्स को बनाने के लिए उसकी जो टिप होती है उस पर हम कार्बाइड, टंगस्टन कार्बाइड की बिट को इंसर्ट करते हैं और फिर उसको ग्राइंड कर लेते हैं। तो ऐसे जो टंगस्टन कार्बाइड के होते हैं सेम एल्युमिनियम, कॉपर, ब्रास, माइल्ड स्टील, प्लास्टिक, स्टेनलेस स्टील, हार्डन स्टील, टंगस्टन, तो इन सभी पर यूज़ करते हैं। और कहाँ के लिए सुटेबल नहीं है, वो टंगस्टन कार्बाइड के लिए सुटेबल नहीं है। तो ये आपका मटेरियल के स्पेसिफिकेशन है कि हम किस मेटल का स्क्रैपर यूज़ किस मेटल पर करते हैं। नेक्स्ट इज अ टाइप्स ऑफ स्क्रैपर। तो टाइप्स ऑफ स्क्रैपर में गाइस काफ़ी अलग अलग तरह के हम स्क्रैपर्स यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द यूज़। तो फर्स्ट वन इज फ्लैट स्क्रैपर, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं फ्लैट स्क्रैपर, हाफ राउंड स्क्रैपर, ट्रायंगुलर स्क्रैपर, बुलनोज स्क्रैपर, टू हैंडल यानी डबल हैंडल जो स्क्रैपर होता है एंड हुक स्पिनर। तो ये हुक स्क्रैपर, तो ये इतने टाइप्स के स्क्रैपर जो स्क्रैपर्स होते हैं वो हम यूज़ करते हैं। वन बाय वन इनके अभी एप्लीकेशंस को समझते हैं कौन कौन से जो होते हैं। सबसे पहला आप देखेंगे यहाँ पर ये क्या है, फ्लैट स्क्रैपर। अब फ्लैट स्क्रैपर इज यूज्ड फॉर स्क्रैपिंग ऑन फ्लैट सरफेस। जब भी हमें कभी फ्लैट और मोस्टली कॉमनली हम सबसे ज़्यादा इसी स्क्रैपर का यूज़ करते हैं, तो फ्लैट सरफेस के लिए हम इस स्क्रैपर का यूज़ करते हैं। और इसकी अगर हम जो लेंथ की बात करें तो 100 mm से लेके 300 mm तक लेंथ में स्टैंडर्ड आपको मिल जाएंगे। और इसके ग्राइंड को हमने 81 डिग्री एंगल पर इसको ग्राइंड किया जाता है। नेक्स्ट इज अ हाफ राउंड स्क्रैपर। हाफ राउंड स्क्रैपर इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ बैरिंग, क्योंकि ये हाफ राउंड स्क्रैपर जहाँ भी ग्रूव्स होते हैं, नाल जो ग्रूव बने हुए थे वहाँ पर अगर हमें कहीं ऐसा कुछ स्क्रैपिंग वगैरह करना है सो वहाँ पर हम इस तरह के स्क्रैपर का यूज़ करते हैं। और ग्रूव की वजह से इसीलिए इसको हम बैरिंग स्क्रैपर भी बोलते हैं। और इसकी जो शेप होती है वो सेमी सर्कुलर शेप में आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट इज अ बुलनोज स्क्रैपर। बुलनोज स्क्रैपर क्यों कहते हैं, क्योंकि जो इसका जो शेप होती है आगे से नोस्ट्रेल ऑफ बुल के जो आगे का फेस होता है उसकी तरह की कुछ रहती है, इसलिए हम इसको बुलनोज स्क्रैपर भी कहते हैं। इट इज़ यूज टू स्क्रैपिंग फ्लैट एंड हाफ राउंड सरफेस। फ्लैट और हाफ राउंड सरफेस दोनों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ हेल्पफुल टू स्क्रैपिंग लार्ज साइज बेरिंग, जो लार्ज साइज के बेरिंग के जो ग्रुप्स होते हैं उनमें अगर हमें स्क्रैपिंग करनी है तो वहाँ पर ये काफ़ी यूजफुल होते हैं। नेक्स्ट इज अ टू हैंडल या डबल हैंडल स्क्रैपर। इस तरह के स्क्रैपर में क्या होता है, डबल दोनों साइड हैंडल्स होते हैं और इसको हम जब हमें ज़्यादा सरफेस पर अगर हमें स्क्रैपिंग करनी है तो मोस्टली वहाँ पर हम इस तरह के स्क्रैपर का यूज
करते हैं। नेक्स्ट इज अ हुक स्क्रैपर। हुक स्क्रैपर जस्ट लाइक अ फ्लैट स्क्रैपर, बट इसका जो पॉइंट होता है वो 90 डिग्री पर, आप यहाँ देखेंगे बेंट हो रहता है 90 डिग्री पर, इसका जो फ्लैट स्क्रैपर है इसका बेंट रहता है, और मोस्टली हम ज़्यादातर फिनिशिंग वर्क वगैरह में हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज अ स्क्रैपिंग प्रोसेस। अब इसकी बात करें प्रोसेस की, तो आप देखेंगे कि जैसे मैं पहले बताया था कि जो सरफेस पे देखिए हाई स्पॉट्स होते हैं उनको स्क्रैप करके हम इसको हटा देते हैं, हटाने के बाद मशीन के पार्ट्स को फिट कर सकते हैं एक्यूरेट तरीके से। तो उसके लिए क्या करता है, बिफोर परफॉर्मिंग एनी स्क्रैपिंग ऑपरेशन द सरफेस ऑफ द वर्क पीस मस्ट बी क्लीन एंड कोटेड विथ पिगमेंट। हमें ये जो स्क्रैपिंग जो प्रोसेस है इसको करने से पहले हमें ये इंश्योर करना चाहिए, कर लेना चाहिए कि हमारा जो वर्क पीस है वो बिल्कुल एकदम क्लीन होना चाहिए, उस पर कोई डस्ट नहीं होना चाहिए, और हमें पिगमेंट की कोटिंग उस पर करनी चाहिए जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर सकें कि कहाँ पर वो हाई स्पॉट्स हैं जो हमें रिमूव करने हैं। तो उसके लिए हम ये पिगमेंट का, पिगमेंट क्या है, पिगमेंट एक तरह का ये लेप होता है, मैं आगे आपको बताता हूँ आगे वीडियो में। ये आप देख सकते हैं ब्लू कलर का पेस्ट हमने यहाँ पर पेस्ट किया है, तो इसको हम बोलते हैं पिगमेंट। पिगमेंट पे अगर हम डिस्कस करें तो स्क्रैपिंग जो पिगमेंट होते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट तरह के दो तीन तरह के अलग अलग पिगमेंट यूज़ करते हैं। द इनरेगुलरिटीज कैन बी डिटेक्ट बाय कलरिंग द सरफेस ऑफ द वर्क पीस विद पिगमेंट ऑफ मार्किंग मीडिया। अब जो भी सरफेस पे इनरेगुलरिटीज होती हैं, जो भी हाई स्पॉट्स हैं, जो भी जो हमें वहाँ से रिमूव करना है, उसको हम डिटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, कलर करते हैं, जो जिसको हम पिगमेंट बोलते हैं, और ये एक मार्किंग मीडिया का प्रोसीजर है। इसमें हम डिफरेंट तरह के, जैसे प्रिसीशन ब्लू आप यहाँ से देख सकते हैं, प्रिसीशन ब्लू, लैम्प ब्लैक एंड रेड लेड मिक्स विद ऑयल। तो इस तरह की ये चीज़ें हम इसकी जो लैपिंग, इसकी जो हम मार्किंग मीडिया के लिए, पिगमेंट के लिए हम ये यूज़ करते हैं। सो गाइस, ये तो था आज की वीडियो, इस वीडियो में स्क्रैपिंग के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।